नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर मयंक रावत है। आई एम ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और मैं शक्तिगंज 3 इंदिरापुरम मैं एलाइट क्लिनिक में अपना प्रैक्टिस करता हूँ, अपना क्लिनिक चलाता हूँ। आज मैं आपसे बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में बात करूँगा। आमतौर पर हम डायबिटीज़ को बड़ों की बीमारी के रूप में समझते हैं, जिसके लिए हम लोग सतर्क रहते हैं और अपना शुगर चेक कराते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चों में भी डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है और जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है। लेकिन मूल रूप से बच्चों में होने वाली जो डायबिटीज़ है वह बड़ों में होने वाली डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा भिन्न है। पहली चीज़ हम समझना चाहेंगे कि बच्चों में जो होने वाली डायबिटीज़ है उसमें एक जेनेटिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें अंदर जो बच्चे के अंदर कुछ जीन्स होती हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। बड़ों में होने वाली डायबिटीज़ में हम लोग समझते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम कितना एक्टिविटी करते हैं, हम अपने किस तरह की खुराक लेते हैं, हम अच्छे जीवन जीते हैं या नहीं जीते हैं, इसका बहुत रोल होता है। लेकिन बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ में इन सब चीज़ों के मुकाबले अनुवांशिक संरचनाओं का रोल होता है। तो पहले से ये जानना संभव नहीं है कि किस बच्चे में डायबिटीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में जो डायबिटीज़ हो रही है उसकी पहचान कैसे हो सकती है। बड़े लोगों में डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, कुछ कुछ टाइम पे हम फुल बॉडी चेकअप कराते हैं और हम बीच में चेक करते हैं कि हमारा शुगर तो नहीं बढ़ रहा, और इस तरह से हम बहुत जल्दी ही डायबिटीज़ को पकड़ लेते हैं। ये एक रिकमेंडेड नॉर्म है, ये सबके लिए अब माना जाता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन बच्चों में ऐसा कोई फुल बॉडी चेकअप या ऐसा कोई रूटीन शुगर चार्टिंग का नॉर्म नहीं है। बच्चों में जब डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं, तो उसमें टिपिकली ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा यूरिन कर रहा होता है और बच्चे का प्रॉपर वेट गेन नहीं होता। वो ज़्यादा खाना खा रहा होता है, ज़्यादा खाने का मन करता है, फिर भी प्रॉपर वेट गेन नहीं कर पाता। इसके अलावा कभी कभी हमको ये बताया जाता है कि बच्चा जहाँ पेशाब करता है वहाँ सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, उस पर चींटियाँ आ जाती हैं। कुछ बच्चे इस तरह से हमारे पास आते हैं और हम उनमें शक करते हैं कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। कुछ बच्चों में हम रूटीन में शुगर चेक कराते हैं, किसी तरह की बीमारी है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, तो हम उसके तरह का शुगर चेक कराते हैं। पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो हमें मालूम पड़ता है कि इसको डायबिटीज़ है। कभी कभी बहुत ही गंभीर रूप में बच्चों में प्रेजेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी कि बच्चे को पता ही नहीं है या उसके घरवालों को पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है। वो बच्चा बीमार हो गया, वो खाना नहीं खा पा रहा है, इंसुलिन की कमी की वजह से उसका अंदर का मेटाबॉलिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। इस तरह के बच्चे काफ़ी सीरियस हालत में हमारे पास आते हैं। शुरू में तो डॉक्टरों को भी एकदम से समझने में टाइम लगता है कि क्या ये डायबिटीज़ का मरीज़ है, और एक बार जब डायग्नोसिस हो जाती है तो हमको मालूम पड़ता है कि ये तो एक्चुअली डायबिटीज़ है। बच्चा दो तरीके से हमारे पास आ सकता है। एक तो बच्चा एक सामान्य स्थिति में नॉर्मल सर्दी जुकाम के लिए आया, या हमको इस तरह के लक्षण मिले तो हमने उसका शुगर टेस्ट कराया तो हमको डायबिटीज़ मिली। तो नॉर्मल अगर बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, बच्चे को थोड़ी बेचैनी हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, और हम उसमें कई बार शुगर चेक करा कर देखते हैं, आमतौर पर शुगर नॉर्मल आता है, हमारे मन से चीज़ हट जाती है। कभी कभी ऐसा मिलता है कि हम उसमें शुगर बढ़ी हुई मिलती है, तो हम आगे वर्कअप करते हैं कि क्या इसको डायबिटीज़ तो नहीं है। कभी कभी बच्चों में इस तरह का होता है कि बच्चे का प्रॉपर वजन नहीं बढ़ रहा है और हमें ये मालूम पड़ रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे को पेशाब बहुत लग रही है, बच्चे को जो भी बच्चा कंप्लेन करता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा आ रही है, हम शुगर जरूर चेक कराते हैं रूटीन में, तो हमें मालूम पड़ जाता है। किसी किसी में शुगर बढ़ी हुई मिलती है तो हम डायबिटीज़ की उसमें जाँच कर लेते हैं। प्राइमरी सिम्टम ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर 100 बच्चे पेशाब ज़्यादा जाते हैं उनमें से किसी एक को डायबिटीज़ मिलने वाली है, 99 में कोई और वजह निकलेगी। पर हाँ, ये बात सही है कि कोई भी बच्चा अगर शुगर पेशाब ज़्यादा जा रहा है तो उसकी पेशाब की जांच कराई जाएगी और उसमें शुगर चेक किया जाएगा। तो इतना ज़्यादा इंसिडेंस नहीं है, इतना ज़्यादा मिलता नहीं है कि हम जितने भी बच्चे, जैसे हम कहते हैं कि 2 हफ्ते की खांसी है तो टीबी होना चाहिए, पर बच्चों में तो खांसी में अस्थमा ही ज़्यादा मिलता है, टीबी कहाँ उतना मिलता है। तो बच्चों में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं, पर हाँ, सारे डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो बच्चा इन लक्षणों के संग आ रहा है तो उसका यूरिन शुगर चेक कराया जाए, और अगर यूरिन में शुगर मिल रहा है तो ब्लड भी चेक कराया जाए। तो ये तो आमतौर पर जब प्रेजेंट करते हैं हमारे पास चलते फिरते हुए आते हैं, उनमें से हम डायबिटीज़ का शक करते हैं और उसमें से ढूंढते हैं। एक बहुत ही टिपिकल हिस्ट्री मिलती है, घर वाले बताते हैं इस जहाँ पेशाब करता है वहाँ चींटियाँ लग जाती हैं। तो कभी कभी ऐसे मरीज मिलते हैं, तो ऐसा मिलता है तो कई बार उसमें शुगर मिलता है और हम डायबिटीज़ को डायग्नोस कर पाते हैं। और कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे सीरियस हालत में आते हैं जिनको पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ है, जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में चले गए हैं, यानी कि बच्चे उनकी मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है शुगर कम होने की वजह से, उनको फिर हम डायग्नोस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, और बड़ों में जो डायबिटीज़ होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। ये मोटी मोटी परिभाषा है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो मेन वजह होती है वो ये होती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि पहले हमारी जो जीवन शैली है वो हमारी आइडियल जीवन शैली से हट के दूसरी तरफ चली गई
और फिर हमारे अंदर जो इंसुलिन थी वो पर्याप्त नहीं रही, इंसुलिन बनती जा रही है लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ऐसी, हम इतना मीठा खा रहे हैं, हम इतना लेज़ी लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि वो इंसुलिन और हमारी शरीर की संरचना उसके लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन बच्चों की डायबिटीज़ इससे बिल्कुल विपरीत है। बच्चों की डायबिटीज़ है वो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, यानी कि इंसुलिन बनाने की क्षमता ही बॉडी की बहुत कम है। तो जो एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होने की वजह से ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है तो इसको पहले दिन से इंसुलिन देनी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने प्रैक्टिस में कई लोगों को देखा है जो इस चीज़ से स्वीकार ही नहीं करते कि हमारे बच्चे को डायबिटीज़ और इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनकी इंसुलिन शुरू की गई लेकिन वो किसी न किसी तरीके से इंसुलिन छोड़ दी उन्होंने किसी न किसी बहकावे में आकर, और फिर वो दोबारा ही उस सीरियस कंडीशन जिसको हम डायबिटिक कीटोसिस बोलते हैं उसमें लैंड करके हमारे पास आए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को डायबिटीज़ है या कि उसके परिवार में या उस बच्चे के, सभी लोगों से विनती है कि अगर आपको डायग्नोस हो गया है, किसी डॉक्टर ने बोला है डायबिटीज़ है, तो कृपया करके इधर उधर की बातों में ना आइए, जो आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन के लिए कह रहा है वो देते रहिए। मैं समझता हूँ रोज़ सुई लगवाना सुबह शाम एक तकलीफदेह अनुभव होता है बच्चे के लिए भी उसके परिवार वालों के लिए जो, और डायबिटिक में जो डाइट होती है, एक डायबिटीज़ जनरली एक टीनेज में प्रेजेंट करता है। बच्चा 8-10 साल का बच्चा है जिसको बता दिया है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है और पूरी ज़िंदगी आपको एक संतुलित जीवन जीना है, तो उसके अंदर भी साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, वो बच्चा फ्रस्ट्रेट फील करता है या करती है, वो भी बाकी बच्चों की तरह जाके रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खाना चाहता है, पार्टी करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर सकता। तो सिर्फ इंसुलिन देना काफ़ी नहीं है, इस चीज़ को उसको पूरा सहयोग देना पड़ेगा, पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए ज़रूरी है और इससे आपका हेल्थ ही ठीक होगी और आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने को मिलेगा। क्योंकि अगर ब्लड में शुगर लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो जैसे कि बड़ों की डायबिटीज़ में समस्या होती है, बच्चों की डायबिटीज़ में शरीर के कई अंगों पर असर पड़ता है। लंबे समय तक ब्लड में शुगर बढ़ी रहने से बच्चों के दिल पे, किडनी पे, दिमाग पे और कई अंगों पर असर पड़ सकता है। अब किसी बड़े में अगर 60 या 70 साल पर डायग्नोस हुई है तो उसकी ज़िंदगी का भविष्य अलग है बजाय एक बच्चा जो 8 या 9 साल पर डायबिटीज़ का डायग्नोसिस ले रहा है। तो बच्चों में साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम उसको उस ट्रीटमेंट के लिए तैयार कर सकें और उस लाइफस्टाइल के लिए तैयार करें जो डायबिटीज़ के रूप में उसको फॉलो करनी है। प्रिकॉशन ये है कि उसको हाई कैलोरी डाइट नहीं लेनी है, यानी कि कोई भी मीठी चीज़ जो होती है, जैसे कि मतलब हाई शुगर डाइट होती है, जिस चीज़ को हम एंजॉय करते हैं, जो भी चीज़ हम एंजॉय करते हैं, हम बाहर जाके पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, केक खाना चाहते हैं, पेस्ट्री खाना चाहते हैं, कैंडी खाना चाहते हैं, तो जो भी हमको एक सर्ज देते क्या कहते हैं किक देते हैं, जो हम कहते हैं जो फूड हमको किक देते हैं कि मन नहीं कर रहा है, हमारा मूड ख़राब है, चलो एक बढ़िया आइसक्रीम खा के आते हैं, तो एक मूड ठीक हो जाता है। लेकिन ये चीज़ वो बच्चे नहीं कर सकते, उसके सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, वो बच्चा साथ में नहीं जा सकता, सब फ्रेंड के संग उसने मूवी देखी, अब सब लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, बच्चा नहीं खा सकता। इसके अलावा उसका डाइट और इंसुलिन बहुत ही स्ट्रिक्टली आपस में जुड़े हुए होते हैं, बच्चे को खाना खाने से पहले इंसुलिन लेनी है, तो एक तरह का बंधा हुआ फील करता है कि जब भी खाना खाऊंगा मुझे इंसुलिन लेनी है, अगर मैंने इंसुलिन ले ली तो मुझे खाना खाना ही है, चाहे मेरा मन नहीं करे तो भी खाना ही है, और अगर मेरे पास इंसुलिन की व्यवस्था नहीं है तो मैं खाना नहीं खा सकता। तो सुनने में छोटी चीज़ लगती है लेकिन किसी को साल दर साल यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, जैसे बड़े लोगों में एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, बच्चे के लिए भी जरूरी है, उसको उठना है, एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा समस्या करती है कि बच्चों में डायबिटीज़ होती है वो थोड़ी सी ब्रिटल डायबिटीज़ होती है, मतलब अगर बच्चे में जैसे शुगर ऊपर जा सकती है वैसी शुगर नीचे भी जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इंसुलिन बनी नहीं रही है। हम जितना इंसुलिन रेगुलेट करके कैलकुलेट करके देते हैं वो हमेशा उतनी एक्यूरेट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शरीर में जिस तरह से इंसुलिन बनती है हम किसी भी मशीन से उस तरह से नहीं दे सकते, हम कुदरत की बराबरी नहीं कर सकते किसी भी टेक्नोलॉजी के मुकाबले, तो ये थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन अब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास इंसुलिन पंप आ गए हैं, ऐसे मशीन आ गई हैं जिसमें हम स्किन में डायरेक्टली नीडल लगा देते हैं और वो 3-4 दिन तक एक स्टेडी फ्लो ऑफ इंसुलिन देता रहता है, पर ऐसी मशीन आ गई, अब तो ग्लूकोमीटर घर घर में है, शुगर चेक करना बड़ा आसान हो गया है, पहले तो शुगर के लिए इतना सारा ब्लड निकाल के लैब में भेजना पड़ता था, तो कुछ चीज़ों में सुधार हो गया है। इंसुलिन पंप थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन अगर आप वो दे सकते हो, आप अपना खर्चा बढ़ा सकते हो, तो उससे बच्चे की ज़िंदगी कहीं ज़्यादा बेटर हो जाती है। बड़ों में हम हल्की डायबिटीज़ को पहले डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, खाने वाली दवाई देते हैं, और जब आखिर में कंट्रोल नहीं होता तब हम इंसुलिन देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि बच्चों में पहले दिन से पूरी डोज में इंसुलिन देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे कि बड़ों में डाइट होती है कि हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जिनसे शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है वो डाइट नहीं देनी है, और दूसरी बात यह है कि बच्चे बढ़ते हुए उम्र के बच्चे हैं उनको लिए शुगर बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है कि उनका भूखा रखोगे या पूरे टाइम खाना नहीं दोगे, शरीर की ग्रोथ के लिए शुगर और इंसुलिन दोनों मिलके शरीर को बनाते हैं,
इंसुलिन का काम है शुगर को सही जगह पहुंचाना, ठीक है। तो ये चीज़ कई लोग को ऐसा लगता है कि इंसुलिन और शुगर एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, नहीं, दोनों मिलकर काम करते हैं, एनर्जी को सही जगह पहुंचाते हैं। बेसिकली इंसुलिन जो होता है वो शुगर को सेल के अंदर ले जाता है ताकि ब्लड में न रहे और यूरिन में वापस ना निकल जाए। हाँ, मेन वजह ये है कि अभी तक बच्चों में कोई एनवायरमेंटल फैक्टर बड़े निकले नहीं हैं। जैसे बड़ों में तो बहुत सारी वजह बताई जाती हैं, मेन तो है हमारा हाई शुगर एक्सपोजर है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, तो हाई शुगर एक्सपोजर है, हमारा शुगर इम्बैलेंस ठीक नहीं है, प्रॉपर ठीक नहीं है शुगर बैलेंस लाइफ का। दूसरा ये कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं। बच्चों में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है, ये पूरी तरह एक जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात है, ये एक पूरी तरह उस बच्चे का भाग है कि उसको ऐसे जीन्स मिले जिसमें डायबिटीज़ था। कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे ये पाया गया है कि डायबिटीज़ संभावना बढ़ती है, लेकिन वो दवाइयाँ अब दी नहीं जाती हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई ऐसी वजह है जिसको हम रोक पाएँ बच्चों में। बच्चों में डायबिटीज़ उतनी कॉमन नहीं है, बस अगर किसी को हो गई है तो उसको डायग्नोस नहीं, वो डायबिटीज़ उस बच्चे में तब आ सकती है जब वो बड़ा हो जाएगा। बच्चों में डायबिटीज़ जो कि अर्ली एज में प्रेजेंट करती है उसका हेरिडिटरी रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ट्विंस हैं और एक बच्चे में डायबिटीज़ है तो दूसरे में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर का मैटर है, ना कि हेरिडिटरी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।